नमस्कार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हम लोग दशमलव पर बात करेंगे डेसिमल पर बात करेंगे आप पूर्व की कक्षा में भी दशमलव से परिचित हैं कुछ न कुछ इसका इस्तेमाल आपने सीखा है आज पुनः से ही हम शुरू से दशमलव को तेजी से दोहराते चलेंगे आपने जाने अनजाने दशमलव शब्द का प्रयोग जरूर कहीं ना कहीं किया होगा जैसे आप समझिए हम यदि कहते हैं कि तीन रुपये पचास पैसे ध्यान दीजिए हमने कहा तीन रुपये पचास पैसा और किसी ने इसे ही लिखा है तीन दशमलव पाँच जीरो रुपया ये देखिए जिसे दशमलव का ज्ञान है वो इस प्रकार भी लिखता है आखिर ये है क्यों क्यों लगता है इसे कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में आइए हम चर्चा करेंगे दशमलव को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि पूर्ण संख्या से तो आप पूर्व परिचित हैं एक दो तीन चार शून्य से यदि शुरू करें पूर्ण संख्या में तो शून्य के बाद हम लोग सीधे गिनते हैं एक अब जरा विचार कीजिए बच्चों शून्य से बड़ा और एक से छोटा भी तो बहुत सारी संख्याएँ हैं उन संख्याओं को दिखाने के लिए एक तरीका तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भिन्न और उसी का एक दूसरा रूप है दशमलव जैसे हम लोग भिन्न में पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या लिखने के लिए भिन्न का उपयोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं के बीच की संख्या लिखने के लिए हम लोग दशमलव का भी उपयोग करते हैं जैसे जीरो से बड़ी और एक से छोटी जो संख्याएं होंगी उसे किस प्रकार लिखा जाएगा या एक से बड़ी और दो से छोटी पूर्ण संख्याओं की बीच की जो संख्या है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ सामान जो हमने लाया है ये जो सामान है देखिए इसे हम इकाई के रूप में प्रयोग कर रहे हैं एक एक करके और ऐसी ऐसी इकाइयाँ जब बहुत सारी मिल जाएँ बहुत सारी का मतलब दस मिल जाएं तो उसे हम लोग फिर दहाई स्थान पर रखते हैं संख्या तो आपने पढ़ा ही है ये जो आप चौकोर देख रहे हैं ये वस्तुतः है ऐसे ऐसे दस को जोड़ने से बना है दस आपको हल्की लाइनिंग भी दिख रही होगी इसमें ये टोटल दस से है बना हुआ तो ये देखिए इसे हम लोग इकाई कह रहे हैं और ऐसे ऐसे जब दस का समूह जमा हो जा रहा है एकत्र हो जा रहा है तो उसे हम लोग दहाई का नाम देते हैं संख्या में आपने पढ़ा है अब ये जो इकाई है इस इकाई के भी यदि भाग कर दिए जाएं, टुकड़े कर दिए जाएं, यदि इसे भी हम दस हिस्सों में काट दें छोटे 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 तब जो एकदम छोटा वाला हिस्सा होगा वो क्या हुआ इकाई का भी दसवा हिस्सा हो गया एक इकाई का भी दसवा हिस्सा इसे और छोटा कर दें तो उस स्थिति में उसे हम लोग दशांश का नाम देते हैं दसवा हिस्सा देखिए बच्चों ये एक इकाई के भी ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े हमने किए हैं छोटे छोटे टुकड़े इतने छोटे टुकड़े कि ऐसे ऐसे यदि दस हम इसमें मिला दें ऐसे ऐसे यदि दस जमा करें तब जाकर ये पूरा एक इकाई बनता है यानी इस एक इकाई को भी हमने दस हिस्सों में बांटा है और बांटने के बाद ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है एक इकाई का दसवाँ हिस्सा तो दसवां हिस्सा जिसे हम लोग अंश कहते हैं हिस्सा का मतलब अंश होता है इसे हम लोग दसवा हिस्सा या दशांश के नाम से जानते हैं हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों इकाई दहाई और दशांश खूब अच्छे से समझ लें एक बार फिर से हम हमने क्या कहा यदि कोई एक है चलिए तो इसे इकाई कह दिए और ऐसे ऐसे यदि दस जमा कर ले हम लोग एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तब ये जो दस का बंडल होगा ये दहाई के स्थान पर आएगा एक अकेले है तो ये इकाई के स्थान पर आ गया अब यदि इसके भी दस हिस्से किए जाएं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं, इस इकाई के भी यदि एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो ये जो छोटा वाला टुकड़ा रहेगा इसे यदि दस हिस्सों में बांटें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो ये जो छोटा वाला एकदम हिस्सा बचा ये क्या हुआ इसका वैल्यू क्या हो गया एक इकाई का भी दसवा हिस्सा तो इसे ही हम लोग कहते हैं दशांश यानी दसवा हिस्सा लिखने का तरीका क्या है जो ज़रा समझिए ये एक यदि है तो हम दहाई में एक लिखते हैं यदि इसकी संख्या एक है तो इकाई के जगह पर भी एक लिखते हैं और इकाई के बाद इकाई के भी यदि टुकड़े कर दिए जाएँ तो उसे ही लिखने के लिए हम लोग बीच में इस प्रकार एक बिंदु लगाते हैं और इसके बाद का जितना हिस्सा रहता है एक दशांश है तो हम लोग एक लिखते हैं इसमें इस स्थान को तो आपको पता ही इकाई का स्थान कहते हैं इसे दहाई का स्थान कहा हमने और इस बिंदु के ठीक बाद वाला जो है जगह इसे हम लोग दशांश का नाम देते हैं और ये जो हम बिंदु कह रहे हैं कि देते हैं इसे हम लोग दशमलव पढ़ते हैं दशमलव बिंदु वो जो बिंदु है वो कैसा बिंदु है दशमलव बिंदु यानी इसे पढ़ा जाएगा ग्यारह दसमलव एक आशा है आप समझ रहे होंगे इकाई क्या है दहाई क्या है दशांश क्या इकाई का मतलब एक वैसे वैसे एक यदि दस जमा कर दें तो कलेक्टिव रूप में उसे हम लोग एक ही कहेंगे लेकिन वो दहाई के स्थान पर आएगा और यदि इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएं तो वो भी एक ही है लेकिन इकाई का भी दसवां हिस्सा है तो उसे हम लोग दशांश कहते हैं या दसवा हिस्सा कह सकते हैं यदि हम कहें कि इकाई के स्थान पर तीन है और दशांश के स्थान पर चार है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे इकाई के स्थान पर तीन लिखेंगे और दशांश का जो हिस्सा हम लोग लिखते हैं हमेशा दशमलव बिंदु के बाद लिखते हैं और दशमलव बिंदु के बाद हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों चार आप जरा याद कीजिए दैनिक जीवन में एक के भी दस हिस्से दस टुकड़े आपने कहीं और देखे हैं आपने अपने घर में कपड़ा नापने का फीता जरूर देखा होगा या नहीं तो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में औजार बक्स में जो गणितीय औजार बक्स है उसमें एक स्केल रहता है उस स्केल को ज़रा ध्यान से देखेंगे आप एक स्केल जो है आपके पास उसे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर जो नामांकित किया हुआ है सेंटीमीटर का या इंच का तो आप देखेंगे यदि जीरो से शुरू हुआ है तो फिर एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर और इसी प्रकार आगे बढ़ा हुआ है अब जरा गौर से देखिए जीरो से एक या एक से दो के बीच का जो हिस्सा है उसे भी आप देखेंगे महीन महीन छोटे छोटे हिस्सों में काटा हुआ है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस इस प्रकार से और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं यही वस्तुतः दशांश हैं एक इकाई के भी दसवें हिस्से और इस छोटे वाले हिस्से को हम लोग दशमलव में लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से एक से दो के बीच में आप भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से बना हुआ होगा एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ और दस एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ और दस इस प्रकार से अब ये जो स्केल बना हुआ है इस पर यदि हमें ठीक ठीक इस बिंदु को दिखाना है बच्चों यहाँ देखिए इस बिंदु को दिखाना है तो ये बिंदु कहाँ है एक सेंटीमीटर तो पूरा हो गया आपका इकाई के रूप में और एक से दो के बीच में फिर वो पूर्ण संख्या में नहीं है हिस्से में है भाग में है और कौन से भाग में है एक दो तीन चौथा दशांश है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे एक इकाई पूरा एक इकाई पूरा और फिर अगला इकाई पूरा नहीं चार दशांश चार दशांश इसे जब लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे एक फिर दशमलव बिंदु और दसवा हिस्सा के रूप में आया है चार तो इस प्रकार हम लोग किसी संख्या को जिसमें कि पूर्ण संख्या के भी कई हिस्से किए हुए रहे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं आशा है आप इकाई और दशांश को समझ रहे होंगे या कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ है आपको पहले से तो उसका अर्थ भी आपको समझना चाहिए जैसे लिखा हुआ है कहीं छ दशमलव चार इसका क्या मतलब आप समझिएगा इसका मतलब समझेंगे कि दशमलव के पहले जो है यह छह इकाई को दर्शा रहा है और दशमलव के बाद का जो है यह आपको चार दशांश को दर्शा रहा है यदि हम इकाई को एक लाइन से दिखाएं तो हम कह सकते हैं छ इकाई का मतलब एक दो तीन चार पाँच छ और चार दशांश का मतलब इस एक के छोटे 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 अगर दस टुकड़े कर लिए जाएं तो एक जो छोटा बड़ा टुकड़ा होगा एक दशांश होगा दो दशांश तीन दशांश चार दशांश ये है आपका छ इकाई और चार दशांश चित्र के रूप में और इसे हम लोग संख्या के रूप में अंकों की सहायता से कुछ इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ा जाएगा छ दशमलव चार दशमलव के बाद वाले जो अंक होंगे उसको एक एक अंक करके पढ़ा जाता है इसका हमेशा आप ध्यान रखेंगे जैसे कहीं लिखा हुआ है तेईस दशमलव चार दो तो इसे हम लोग तेईस दशमलव बयालीस ना पढ़ करके पढ़ने का तरीका कुछ ये होगा दशमलव के पहले वाले को तो एक साथ पढ़ लेंगे तेईस लेकिन इसके बाद वाली अंकों को हम अलग अलग एक एक करके पढ़ेंगे दशमलव चार दो ना कि बयालीस तो कैसे बच्चों लिखना है दशमलव को और कैसे पढ़ना है इन बातों पर हम चर्चा कर रहे थे एक बार फिर से इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे आप खुद से पढ़कर देखिए तेईस दशमलव चार दो बिल्कुल ठीक कहा आपने दशमलव को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर इसका निरूपण कैसे करते हैं संख्या रेखा पर निरूपण पिछली कक्षा में आपने संख्या रेखा पर भिन्नों का निरूपण देखा है भिन्नों को कैसे दिखाते हैं अब ठीक उसी प्रकार से दशमलव वाली संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं आपको पता है की संख्या रेखा कैसा होता है एक सरल रेखा जिस पर संख्याओं को दिखाया जाए जीरो से यदि हम शुरू करें बाई और ऋणात्मक संख्या और दाहिनी और धनात्मक संख्या एक दो तीन चार पाँच और इस प्रकार से यदि हम संख्याओं को दिखा दें तो ये आपका संख्या रेखा हो गया यदि पूर्ण संख्या को दिखाना है तो स्पष्ट दिखाना है दो कहाँ होगा चार कहाँ होगा शून्य कहाँ होगा अब इसी में यदि हमें पूर्ण संख्या को ना दिखा करके उसके बीच की किसी संख्या को दिखाना हो तो फिर हम उसे कैसे दिखाएंगे उसके लिए जैसा कि आप स्केल पर देखे हैं कि छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं ठीक उसी प्रकार से इसके भी हिस्से किए जाएंगे और एक इकाई के कितने हिस्से किए जाएंगे? दस और जब दस हिस्से किए जाएंगे तो उसे पढ़ा जाएगा दसवा हिस्सा मतलब दसांश तो देखिए हम लोग कर लेते हैं इसके छोटे छोटे हिस्से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस आप प्रयास कीजिएगा कि बीच का जो हिस्सा कर रहे हैं वो हमेशा बराबर दूरी का ही हो इसके लिए आप स्केल का उपयोग कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छ चा, सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छ चा, सात आठ नौ दस इस प्रकार से थोड़ा मेहनत का काम है आप दिखाएंगे और जब भी किसी संख्या को दिखाना हो जैसे हमें दिखाना है जीरो दशमलव छ अब इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं दशमलव के ठीक पहले की जो संख्या है ये इकाई के स्थान पर है यानी इकाई में आपको शून्य को दिखाना है और दशमलव के बाद में जो लिखा हुआ है ये दसवा हिस्सा में से है कौन से दशांश को दिखाना है दशांश में भी छठे दशांश को दिखाना है आपको तो इकाई के जगह पर शून्य अर्थात तो शून्य से ठीक बड़ा और छठा दशांश तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा ये वाली जो बिंदु है इसे ही हम कहेंगे जीरो दशमलव छः इस प्रकार आप आसानी से दशमलव वाली संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं जैसे हमें दिखाना है दो दशमलव चार अब इस संख्या का क्या अर्थ आप समझ रहे हैं बच्चों दशमलव के ठीक पहले की संख्या जो दो है ये इकाई के स्थान पर और दशांश के हिस्से पर हमें दिखाना है आपको चार को तो कैसे दिखाएंगे दो पूर्ण संख्या के रूप में पहले देखेंगे और दो से अधिक और तीन के बीच पहले कहीं ना कहीं बीच में पड़ेगा चौथा दशांश उसे हम लोग ढूंढ लेंगे तो चलिए इकाई के जगह पर पहले दो देखते हैं कहाँ है जीरो एक दो और दो से भी आगे आपको जाना है तीन की ओर कितना दशांश में चौथा हिस्सा पर तो आइए चलते हैं एक दो तीन और चौथा हिस्सा अब ये जो भाग है ये पूर्ण संख्या दो से अधिक है कितना अधिक है एक के दस हिस्से अगर किए हैं तो उसमें चौथे भाग पर यानी दो दशमलव चार इस प्रकार कोई भी दशमलव की संख्या हो तो आप उसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं आइए हम साथ में मिलकर एक और संख्या को दर्शाते हैं लिखा हुआ है तीन दशमलव आठ चलिए आप खुद से अपने नोटबुक पर बनाइए संख्या रेखा और उस पर दर्शाइए विभिन्न प्रकार के दशमलव की संख्याओं को लिख लिख कर आइए हम साथ में मिलकर दर्शाते हैं तीन दशमलव आठ को क्या समझ रहे हैं दशमलव के पहले की संख्या जो तीन है ये इकाई के स्थान पर है और दशांश के हिस्से में है आपको आठ तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये संख्या कहाँ पड़ेगी संख्या रेखा पर तीन से अधिक और चार के पहले तो तीन तो पूरा पूरा है तो सबसे पहले तीन पर आ जाइए आप पूर्ण संख्या के रूप में तीन हमें मिल गया यहाँ पर है अब इससे भी आगे, आगे आपको सफ़र करना है हिस्से के रूप में दसवें हिस्से के रूप में कौन से हिस्से पर चलना है आठ पर चलना है तो आइए हम चलते हैं तीन के बाद यहाँ तक तो तीन हो गया बच्चों तीन के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ये जहाँ गिनती आई आपकी आठ ये क्या हो गया आठवा हिस्सा दस हिस्से किए थे उसमें से आठवां हिस्सा तो ये जो संख्या हो गई यह हो गया तीन पूर्ण संख्या के रूप में और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वैसे छोटे छोटे टुकड़े आठ तो इसे हमने कह दिया तीन दशमलव आठ ये तो हो गया कि संख्या रेखा पर किसी भी दशमलव वाली संख्या को कैसे दर्शाते हैं अब इसके ठीक उल्टा संख्या रेखा पर कहीं भी कोई है और हमसे पूछा गया है कि ये कितना है जरा बताइए वाट ये क्या है या कितना को दर्शा रहा है तो आप ठीक उसी प्रकार ढूंढ सकते हैं कि ये बिंदु कहाँ है एक और दो के बीच में है तो एक से बड़ा है और दो से छोटा है पूर्ण संख्या तो आपको मिल गया कि एक होगा अब दशमलव वाले में दसवें हिस्से में कौन से हिस्से पर है इसके लिए आपको गिनती करनी होगी तो एक के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ अर्थात जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके नौवे टुकड़े पर हमारा बिंदु पड़ रहा है तो एक पूर्ण संख्या में और दशांश के रूप में कितना नौ तो संख्या रेखा पर भी यदि कहीं कोई बिंदु रहे तो उसका आप मान आसानी से लिख सकते हैं कि कितना होगा आशा है अब आप संख्या रेखा पर दशमलव की संख्याओं को आसानी से दिखा पाएंगे साथ ही साथ दसम संख्या रेखा पर यदि कोई बिंदु है तो उसे पहचान पाएंगे कि यह बिंदु कितना को दर्शा रहा है तो ऐसे आप अभ्यास के प्रश्न में बनाइए खुद से संख्याओं को लिखिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाइए और संख्या रेखा पर दिखाइए विभिन्न प्रकार की संख्याओं को प्यारे बच्चों हम लोगों ने जब संख्या रेखा पर दशमलव वाली संख्याओं को दिखाना सीख लिया है तब आप आपके घर में प्रयोग होने वाले जो कपड़े नापने की जो फिता है लंबाई नापने के लिए उसका उपयोग आप खूब कर सकते हैं क्योंकि अभी जैसा संख्या रेखा आप देख रहे थे ठीक उसी प्रकार का कुछ आपका ए, स्केल भी है या कपड़ा नापने का फीता भी है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं उसमें भी आप देखिएगा कि सेंटीमीटर्स को छोटे 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 हिस्सों में बांटे हुए हैं दस छोटे छोटे हिस्सों में बांटे हुए और वो जो छोटा वाला हिस्सा है एकदम जिसे हम लोग दशांश कह रहे हैं उसे मिलीमीटर कहा जाता है मिलीमीटर कौन से हिस्से को कह रहे हैं जो आपके स्केल में सेंटीमीटर दिया गया है उस सेंटीमीटर को यदि 10 छोटे छोटे हिस्सों में कर लिया जाए तो उसका जो एक छोटा सा हिस्सा होगा उसे हम लोग दस मिली सॉरी मिलीमीटर मिली कहेंगे मिल और ऐसे ऐसे जब 10 मिलीमीटर मिल जाएंगे तब जाके पूरा एक सेंटीमीटर बन जाता है एक सेंटीमीटर ध्यान दीजिए और सेंटीमीटर भी आगे चल के आप पढ़ेंगे कि बहुत सारा 100 सेंटीमीटर जब मिल जाएगा तो एक मीटर बनेगा फिलहाल हम लोग जान रहे हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर एक सेंटीमीटर होता है तो मिली और सेंटी को हम लोग दशांश के रूप में आसानी से लिख सक, लिख सकते हैं क्योंकि एक सेंटीमीटर का दसवा टुकड़ा मिलीमीटर ही है तो यदि कहीं लिखा हुआ है कि किसी कपड़े की लंबाई या कागज़ की लंबाई या आपने आप कॉपी की लंबाई नाप के देखिए और लिखिए कि कितना मिलीमीटर कितना सेंटीमीटर है आपने अपना कॉपी नापा उसके लंबाई को और आपने पाया कि उसकी लंबाई है दस सेंटीमीटर और छह मिलीमीटर ये देखिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तो इसे जब हम दशमलव में लिखेंगे इसे जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सेंटीमीटर में यदि इसे बदलना चाहते हैं तो दस सेंटीमीटर तो पूरा पूरा है ही बच्चों दस सेंटीमीटर और ये जो छह मिलीमीटर है ये क्या है सेंटीमीटर का दसवां हिस्सा किया हुआ है और जो दसवां हिस्सा होता है दशांश होता है उसे हम लोग दशमलव के रूप में लिखते हैं सॉरी सता दशांश होता है उसे हम लोग दशमलव के रूप में लिखते हैं अर्थात इसे यदि आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो वस्तुतः है ये दसवाँ हिस्सा है किसका सेंटीमीटर का दशमलव के रूप में यदि आप लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे दस दशमलव छह सेंटीमीटर ये देखिए दस पूरा सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर के भी दस में हिस्से करके वैसे वैसे छह हिस्से तो दस दशमलव छह सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे जैसे और भी उदाहरण देखिए आपने अपने हाथ की लंबाई नापी है अपनी उंगली की लंबाई नापें आप दोस्तों के साथ मिलकर अपने औजार बक्स के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल से या फिर अपने घर में पड़े हुए कपड़े नापने वाले फीते से नापें और उसे लिखें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में और पुनः उसे दशमलव में बदलें चलिए आपने किसी का नाप लिया है और आपने नापा है 25 सेंटीमीटर एवं 8 मिलीमीटर तो इसे आप दशमलव में कैसे लिखिएगा काफ़ी आसान जब मिलीमीटर और सेंटीमीटर की खास करके बात हो क्यों हम ऐसा आसानी से लिख पा रहे हैं बच्चों क्योंकि आपने देखा कि मिलीमीटर वस्तुतः सेंटीमीटर का दसवां हिस्सा ही है तो जहाँ भी दसवां हिस्से की बात होगी तो समझिए कि दशांश की बात है और जब दशांश की बात है तो उसे आप दशमलव के ठीक बाद में लिख सकते हैं यानी इसे यदि हमें दशमलव में लिखना होगा तो हम लिखेंगे पच्चीस सेंटीमीटर और आठ मिलीमीटर को भी हम लोग दशमलव आठ के रूप में लिखेंगे और ये पूरा का पूरा आपका हो गया सेंटीमीटर में इस प्रकार सेंटीमीटर और मिलीमीटर को एक साथ हम सेंटीमीटर में बदल कर लिख सकते हैं या कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप समझ भी सकते हैं कि वो कितना मिलीमीटर और कितना सेंटीमीटर है जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मान के चलिए पाँच दशमलव तीन सेंटीमीटर इसका आप क्या मतलब समझिएगा इसका मतलब ये है बच्चों कि पाँच सेंटीमीटर एकदम पूर्ण संख्या में है पूर्ण उसका मान है और जो दशमलव के बाद है वो दसवा हिस्सा है और जो दसवा हिस्सा है उसका नाम है मिलीमीटर। तो जब इसे हम मिली और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे पाँच सेंटीमीटर एवं तीन मिलीमीटर इस प्रकार से तो जब कहीं दशमलव में लिखना हो तो उसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कैसे लिखेंगे या कहीं सेंटीमीटर मिलीमीटर में लिखा हो तो उसे दशमलव में कैसे लिखेंगे ये बातें हम लोग कर रहे थे आशा है आप समझे होंगे और आपस में मिलकर ऐसे अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न आप करेंगे आइए बच्चों अब हम लोग तेजी से सीखते हैं कि दशमलव में जो संख्याएं हैं उसे भिन्न के रूप में भी क्या दिखाया जा सकता है और दिखाया जा सकता है तो किस प्रकार बदलेंगे या भिन्न में यदि संख्याएं हैं तो उसे दशमलव के रूप में हम लोग किस प्रकार बदल सकते हैं जैसे अभी हमने बहुत सारी दशमलव की संख्या देखी है जैसे लिखा हुआ है पाँच दशमलव तीन अब जरा इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करें बच्चों क्या है ये पाँच तो एकदम पूर्ण संख्या के रूप में है पाँच पूर्ण संख्या के रूप में है और दशमलव का मतलब हो गया हमने आपको बताया कि इसके बाद की जो संख्या है वह वस्तुतः दशांश है मतलब कि दसवा हिस्सा है यानी पांच पूर्ण संख्या में और यह जो तीन है यह दसवें हिस्से के रूप में है तो इसे हम लोग दशांश कर दिए हैं ये जो आपका रूप हो गया आप पहचानिए क्या यह भिन्न का रूप है और कैसा भिन्न है बच्चों मिश्र भिन्न है तो इस भिन्न को हम आंसर हर में बदल सकते हैं विषम भिन्न में बदल सकते हैं आइए करते हैं किस प्रकार करते हैं आपको पता है इन दोनों का गुना कर लेते हैं और उसमें तीन जोड़ लेते हैं आपको तो आता ही है बदलने के लिए और बट्टा में दस अर्थात तिरपन बट्टा दस इस दशमलव को हमने लिखा है तो ये आ गया इस प्रकार से दशमलव वाली किसी संख्या को आप भिन्न में बदल सकते हैं जैसे कहीं लिखा हुआ है जीरो दशमलव छ अब इसका क्या मतलब हम समझ रहे हैं दशमलव के पहले जीरो है मतलब इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है पूर्ण संख्या के रूप में जीरो है कोई पूर्ण संख्या नहीं है और सिर्फ क्या है दसवा हिस्सा है और उसमें भी किसका छह का तो छह का दसवां हिस्सा को हम लोग भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखेंगे छह का दसवा भाग अर्थात छ बटा दस तो इस प्रकार यदि कोई दशमलव में हो तो उसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख देंगे और भी यदि आप उदाहरण देखें जैसे लिखा हुआ है चार दशमलव एक तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे चार पूर्ण संख्या में और एक का दसवा हिस्सा अब आप चाहें इसे तो भिन्न के रूप में और बदल सकते हैं बिल्कुल आपको आता है आपने भिन्न का अच्छा खासा प्रयास किया है अभ्यास किया है तो आप आसानी से बदल पाएंगे अब ठीक इसके उल्टा यदि भिन्न के रूप में लिखा रहे भिन्न के रूप में लिखा हो और उसको दशमलव के रूप में आपको दिखाना है या लिखना है तो भिन्न को दशमलव में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको ज़रा समझें तो आप देखिए दशमलव से जब हम भिन्न में ला रहे थे तो वो हमेशा दसवें हिस्से को बताता है अब यदि भिन्न में कोई भी हिस्सा रहे तो सबसे पहला प्रयास है कि हम उसको दसवें हिस्से के रूप में बदल दें यानी उसके हर को दस बना दें तब आसानी से आप उसको दशमलव में लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है बच्चों तीन बटा पांच ये देखिए अब भिन्न के रूप में जो हर है वो वहां है पांच इसका मतलब है कि तीन के हिस्से किए गए हैं लेकिन आपको तो पता है कि दशमलव में दस हिस्से होते हैं दशांश होते हैं तो इसे दस हिस्से में बदलने के लिए हर को तो दस किया जा सकता है बिल्कुल आपने तुल्य भिन्न पढ़ा है इसके पहले और उस पर आधारित बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न आपने बनाए हैं तो आइए हम हर को दस बनाते हैं और दस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंश और हर दोनों में दो से गुना करना पड़ेगा आपने तुल्य भिन्न में देखा है कि जब भी किसी निश्चित संख्या से गुना करते हैं तो अंश एवं हर दोनों में गुना करते हैं तो यह हो गया बच्चों छह बटा दस अब देखिए कितना आसान हो गया स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि दसवा हिस्सा आ गया और किसका आ गया छह का आ गया तो हम लोग इसे आसानी से दशमलव के रूप में लिख देते हैं ठीक इसी प्रकार से यदि कोई विषम भिन्न भी हो और उसे आपको दशमलव में बदलना हो तो आप इसी प्रकार कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है तीन पूर्णांक एक बटा दो ये देखें इसे आपको बदलना है दशमलव में यहाँ क्या बच्चों तीन हमारी पूर्ण संख्या है और जो हमारे बच गई एक बटा दो ये दूसरा हिस्सा है लेकिन दशमलव में बदलने के लिए हमको चाहिए दसवा हिस्सा और दसवा हिस्सा करने के लिए तुल्य भिन्न का प्रयोग करें इसे दस बनाने के लिए हर को क्या करना पड़ेगा आपको आंस एवं हर दोनों में पांच का गुना करना पड़ेगा तो आपने क्या पा लिया तीन होल पांच बटा दस क्या अर्थ है इसका कि तीन एकदम पूर्ण संख्या में और पांच के दसवा हिस्सा अर्थात तीन पूर्ण संख्या में और जब भी किसी संख्या का दसवां हिस्सा हो जाए दशांश हो जाए तो उसी दशांश को तो हम लोग दशमलव कहते हैं तो हमारा हो गया तीन दशमलव पांच इस प्रकार किसी संभिन को या विषम भिन्न को या मिश्र भिन्न को कोई भी भिन्न का रूप हो उसे आप दशमलव में एवं दशमलव वाली संख्या को भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं अब प्यारे बच्चों इस पर आधारित अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न हैं आपके पाठ्य पुस्तक में उसको बनाइए साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ जो आपने समूह बनाया है उसमें भी प्रश्नों का आदान प्रदान करके एक दूसरे से ढेर सारे अभ्यास के प्रश्न कीजिए आज की कक्षा में हमने सीखा है दशमलव क्या है दशमलव का उपयोग कैसे करते हैं उसे कैसे पढ़ा जाता है साथ ही साथ मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच क्या संबंध है एवं संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं अब इसके और भी बहुत सारे गुणधर्म हम लोग अगली कक्षा में सीखेंगे तब तक के लिए आप ढेर सारा अभ्यास करते रहिए और हम लोग मिलेंगे नई कक्षा में दशमलव के कुछ और नए गुण धर्म के साथ तब तक के लिए बच्चों नमस्कार